हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो हम बहुत बढ़िया हैं। और इस समय मैं यहाँ पे सब्जियाँ काट रही थी, साथ में पी रही थी अपना नींबू पानी। और ये है आज का मौसम, जो कि रोज़ साफ़ होता है। और लेकिन एक बात अच्छी है कि हवा बहुत अच्छी चली होती है सुबह शाम को, दिन को भी हवा काफ़ी अच्छी चली होती है, तो जिस वजह से थोड़ी सी गर्मी से राहत है। वरना टेम्परेचर तो यहाँ पर 34 या 35 के अराउंड होता ही है यहाँ पे। और अगर आप बाज़ार चले जाओ, मंडी बाज़ार में शहर में, तो वहाँ पे 39 के आसपास जो है डिग्री तापमान होता है वहाँ का। और अभी मैं खाना बना रही थी और अभी 6 बजे के अराउंड मैं उठी हूँ। और मैंने सबसे पहले अपने किचन गार्डन में पानी दिया, क्योंकि कल मैं वहाँ के लिए गोबर लेकर आई थी, क्योंकि जो फ्रांस बीन मैंने वहाँ पर लगाई है ना, वो थोड़ी सी मुरझा गई थी, तो मैंने कहा इसको गोबर की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैंने कल गोबर दिया और उसके बाद आज मैंने पानी दिया। और कुनाल कर रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज, ये देखिए चप्पलों के बीच में। तो ऐसी बात है। और जो नींबू पानी है ना, मैं रोज़ पीती हूँ नींबू पानी, साथ में थोड़ा सा शहद डालकर। और अभी कर लेते हैं फटाफट से काम। और टाइम हो रहे हैं अभी 7 बजने वाले हैं, 7 बज गए बोलो, हाँ 7:05 रह गए हैं। तो फटाफट से काम करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं और टाइम आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे कर रही थी नाश्ता और कुणाल स्कूल जा चुका है। और कोको की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, क्योंकि रोड पे ना आज बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो बहुत घूम रहे हैं, तो उसको भी भौंक रहा है। और नाश्ते में आपको जैसे पता था कि मैंने भिंडी बनाई है, लेकिन भिंडी आज मैंने थोड़ी सी अलग बनाई है, क्योंकि वो दूसरी भिंडी जब खाते हैं ना नॉर्मल वाले, तो थोड़ी सी ऐसी मतलब थोड़ा गीला गीला सा बनता है। लेकिन आज मैंने बनाई है कुरकुरी भिंडी। तो पहले सबसे पहले मैंने इसको जो है तेल में तल दिया था, और उसके बाद नॉर्मल मतलब प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना के ये बनाई है। तो ये देखिए मेरा खाना। तो ये है कोको, नो, ये है भिंडी और ये है अनारदाना की चटनी, साथ में थोड़ा सा सिंपल सा रायता और साथ में मेरी रोटी। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के हो रहे हैं, पूरे 2:30 हो रहे हैं, और मैं बैठी थी यहाँ पे बाहर, क्योंकि मेरे ना फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, डिम्पल नाम है उसका, तो उसका फ़ोन आया था, उससे बात करी। तो उससे बात करते करते यहाँ पे आ गई और मैं खाई थी खाना। और खाने में था दाल चावल, एक्चुअली ना दाल चावल रात के ही बचे हुए थे, तो वो खा रही थी। और साथ में मैंगो शेक लिया था। और अभी बाहर आई हूँ, तो नीचे आंटी जी थे ना, उन्होंने कुछ शॉपिंग की कपड़ों की, तो वो अभी लेने गए और वो दिखाएंगे मुझे कि उन्होंने क्या शॉपिंग की है। और मैं ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ऐसे लो फील कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ऐसी थकावट होती है और किसी से बात करने का मन नहीं करता है, बस मैं अंदर ही होती हूँ, घर के अंदर ही अपना फ़ोन छेड़ती रहती हूँ। और शाम के टाइम पे निकलती हूँ मैं थोड़ा हवा खाने के लिए, बोलती नहीं हूँ किसी से, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा मतलब बात करने का मन नहीं करता। अभी आंटी आ गए हैं, अभी चलते हैं नीचे, इनकी शॉपिंग देखते हैं। यहाँ पे कोको, तभी चलते हैं दरवाजे में लगाते हैं लॉक, क्योंकि ना यहाँ से साँप आने का खतरा रहता है, क्योंकि पिछली बार ना मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में, यहाँ पे जो है सांप की कैंचुली थी, जो छिलके होते हैं सांप के, इस तार के साथ में, तो शायद हो सकता है सांप यहाँ से होके भी आ सकता है। इसलिए दरवाज़ा बंद, और अभी चलते हैं आंटी के पास। कोको यहीं बैठना, नमस्ते दादू। तो अभी मैं आ गई नीचे से और यहाँ बैठी हूँ, अभी कुणाल भी आने वाला है ना, तब तक यहीं बैठूँगी, उसका वेट करूँगी। और ये देखिए मेरी ना एलर्जी ख़त्म नहीं हो रही, जो ये इकट्ठा सा हुआ ना स्किन, देखिए
पूरा ख़राब हो गया। और कल ना मेरे यहाँ पे उंगली में ये देखिए पिन चुभ गई थी और इतना ब्लड निकला ना इस जगह से। वीडियो बनाई मैंने, इसमें ऐड कर दूँ इसके साथ में ही, आप देख लीजिएगा। इतनी छोटी सी जगह तो इतना सारा ब्लड गिरा। और मौसम ऐसे ही है, ख़राब ख़राब सा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कल है क्या था कल, हाँ तो कल है साजा। और जो ये साजा होता है ना, इसको बकरियाल कहते हैं, शायद मैं सही प्रनाउंस कर रही हूँ, तो बकरियाल कहते हैं। तो इसमें ना, तो इस साजे में एक डिश बनाई जाती है, कचौरी नहीं, गुजिया टाइप में, तो उसको कहते हैं बकरियाल ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो बनाई जाती है। तो हम भी कल वो बनाएंगे, तो गुजिया सेम गुजिया होगी, इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स, चीनी या गुड़ डाल के बनाते हैं उसको, मैं बनाऊंगी। वैसे तो हमारे घर पे कोई नहीं खाता है, लेकिन फिर भी दो चार तो बनाने ही पड़ेंगे पूजा करने के लिए ना, और बहुत पुराना रिचुअल चला आ रहा है, तो ये सब कुछ बनाना ज़रूरी होता है, तो हम भी बनाएंगे। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं भल्ले भी बनाऊँ, लेकिन फिर भल्ले भी खाने वाले कोई नहीं है, कुणाल के पापा घर पे नहीं है, जब वो आएंगे बाद में तब मैं बनाऊंगी उनके लिए स्पेशल ये गुजिया भी, बकराल भी, और बकरे कहते हैं वो भी, और साथ में भल्ले भी बनाऊंगी उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और कल सिर्फ वो गुजिया बनेंगे, और पूजा पाठ भी होगी कल, जैसे वो पात्री डालती ना मैं नीचे जाकर, वैसे पात्री डालेंगे। और आजकल बोलते हैं कि जैसे नौ तप्पा, मैंने पीछे बताया था आपको कि नौ तप्पा लगे हुए थे, और अभी जो है जो लोकल जो यहाँ के लोग कहते हैं तीर बैठे हैं, तो मतलब गर्मी के 8 दिन हो जाएंगे, उसके बाद फिर 8 दिन किसी और चीज़ के होंगे, मतलब इस समय जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा मैंने सुना था, आंटी वाले बात कर रहे थे। और आजकल खेतों में चली है मक्की की निंदाई, और हाँ बस मक्की की निंदाई चली हुई है, और अभी कुणाल का वेट करते हैं, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के हो रही हैं 7:15, और मेरा जो है सुबह का नाश्ता आलू की सब्ज़ी साथ में रोटी, आलू की सब्ज़ी इसलिए क्योंकि कुणाल को बहुत पसंद है फ्राई आलू, तो वो बनी है, साथ में बनी है रोटी, और साथ में यहाँ पे जो है आज साजा, तो आप सभी को हैप्पी साजा। और यहाँ पे जो मैंने कहा था ना कल कि आज बकरे बनेंगे, तो ये ड्राई फ्रूट के बकरे बनेंगे, बकरे गुजिया टाइप में, तो उसकी तैयारी हो चुकी है, और मैंने बहुत कम सा बनाया हुआ है, और आटा भी मैंने बहुत कम गूंद के रखा है, इसमें रखा है सीजने के लिए। और जो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि मेरे ना एलर्जी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, इस फ़ोन में बिल्कुल नज़र नहीं आता है, तो हो सके तो मैं आंटी जी के फ़ोन से कभी भी शूट करके आप लोग को दिखा दूँगी, या इसी के साथ मैं अटैच कर दूँगी। तो ये मेरे ना गले के यहाँ पर मैं पूरी रात भर सो नहीं पाई, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी, तो ये होता ना गर्दन ऐसे चपक के बैठता है, तो फिर गर्मी की वजह से पसीना निकल रहा था, और यहाँ पूरे दाने आ गए हैं। तो मैं उनके फ़ोन से ट्राई करके बताऊँगी आपको, अगर जिसका भी फ़ोन मुझे अच्छा लगे जिसमें मेरे रैशेस नज़र आए, वैसे तो आपको दिख रहा होगा शायद से हल्का हल्का से यहाँ पे, और ये तो खुजली करने के बाद वो चमड़ी जो है सूख जाती ना, तो उसका निशान है। और फेस पे भी आज ना बहुत एलर्जी है यहाँ पे, पता नहीं शायद मैंने कल मैंगो शेक भी पिया था, और रात को फिर एक मैंगो खाया था मैंने और कुणाल ने, क्योंकि आजकल वो छोटे वाले जो मैंगो होते हैं ना, जो चूसने वाले होते हैं, वो आ गए हैं, तो वो मुझे मेरे फेवरेट हैं, तो शायद मैंने वो खाए होंगे इसलिए आए होंगे, लेकिन बुरी हालत है, हाथों में भी बहुत ज़्यादा है और दूसरे हाथ में तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कम ही बना रही हूँ, क्योंकि कुणाल को भी पसंद नहीं है, खाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस खाएगा, और मैं इस बार ना छोटे छोटे पीस बनाऊंगी गुजिया के। और वैसे तो मैं ना इसको पिछले बार मैंने जो है सारे ड्राई फ्रूट को घी में फ्राई किया था, उसके बाद उसमें डाले थे मैंने क्या कहते हैं ब्राउन शुगर जो होते हैं ना, वो डाला हुआ था मैंने, ब्राउन शुगर क्या कहते हैं हिंदी में, कुछ कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वो डाला था मैंने, तो उससे ना बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी, सिंपल ड्राई फ्रूट डाल के बनाऊँगी सूखे सूखे। और हाँ मेरे पास ना वो खीला है जो प्रसाद में यूज़ होते ना, वो है,
तो ये भी डालूंगी मैं ताकि मीठे बने, उसके लिए मैं ये डालूंगी। तो इसको डालकर अभी बनाते हैं टाइम से, फिर मुझे पूजा पाठ भी करनी है। इससे पहले मैं कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकती, कोई नमक नहीं, बस मैंने सुबह पानी पिया है और अभी पूजा पाठ भी करनी, फिर मुझे नहाना है। रात को मैंने ऑयलिंग भी की थी बालों में, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने ऑयलिंग नहीं की थी बालों में, तो मैंने नारियल तेल लगाया था। और कुनाल पानी लेकर आ चुका है, बाई का पानी, जो कि बहुत ठंडा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे ही पानी भी गर्म होता जाएगा। तो उससे पहले कि ये पानी गर्म हो जाए, इसको मैं निकालूंगी स्टील की बाल्टी में, उसमें जो है ठंडा रहेगा ये। और अभी मैं अपने कैमरामैन को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और तरीके सबके अपने अपने हैं, तरीके हैं, कोई सिड्डू की तरह शेप में बनाता है, मतलब छोटे छोटे पीस बनाएंगे सिड्डू की शेप में बनाएंगे, कोई बड़े बड़े पीस बनाएंगे और वो भी सिड्डू की शेप के बनाएंगे, कोई मोमो के शेप के बनाएंगे, जिसको जैसा शेप आता है वो वैसा शेप का बनाता है। और हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अभी। तो चीकू आजा बेटा, मैं कुछ बनाऊँ खाने में ना, और तुमने जो है वीडियो शूट करनी है, बनना है कैमरामैन, आ जाओ। तो फिर तो अभी मेरा कैमरामैन आ रहा है, क्योंकि ये अभी मतलब पानी लेकर आया, उससे पहले इसने बिस्तर तय किया था, वो तय थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको सिखाया कि जैसे सुबह उठता है तो वैसे बिस्तर तय करना। तो जल्दबाजी में था, उस समय इसने बिस्तर तय किया लेकिन ढंग से नहीं हुआ, तो अभी बिस्तर तय करता। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कुछ मॉर्निंग यहाँ पे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, यहाँ पे देखते जब सुबह उठता है ना, तो उसको मुँह तो बड़ा लगता है। तो चिकू मैं वो बनाऊँगी ना, बकरे बनाऊँगी, तो चिकू ने जो है वीडियो शूट करनी, ठीक है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी गया है कुनाल बैग पैक करने, अपना स्कूल बैग पैक करने, तो उसके बाद वो जाएगा नहाने, तो कह रहा है कि मम्मा मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैंने कहा रहने तो फिर मैं खुद कर दूँगी। तो अभी मैंने सिर पे दुपट्टा लगाया, क्योंकि ये जो बकरू है ना, ये भगवान के पास भी चढ़ाए जाएंगे, और फिर जो भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मतलब बाहर सिर को जो है ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि भगवान की चीज़ें बन रही है तो सिर तो ढका होना चाहिए। तो अभी बनाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं छोटे छोटे पीस बनाऊँगी। और यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर भी तैयार कर दिया मैंने, इसमें डाल दिया मैंने काजू, बादाम, दाग, गरी सूखी वाली गरी, नारियल, और ये मीठे वाले, ये उसको मैं इसमें भरूँगी और बनाते हैं अभी। मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटे छोटे और बहुत सुंदर सुंदर से बकरू बनाऊंगी, पर दिखाती हूँ आपको, मेरा पोपट हो चुका है तो मेरे से ना बन नहीं रहा है ढंग से ये, तो मैंने जैसा मुझे शेप दे दिया इनको। और दूसरी बात, पहले मैं छोटे छोटे बना रही थी, अब मैं बड़े बड़े बना रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो है ना उसमें ढंग से शेप नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े से बन रहे हैं, तो आप सबके सामने मेरी पोल खुल चुकी है कि मुझे सच में ये बनाना नहीं आता है। अगर मोमो बनाना होता ना, तो मैं फट से बना देती, चाउमीन बनाना मैं फट से बना देती, दाल चावल सब कुछ मैं फट से बना देती, लेकिन इसका ना मुझसे शेप ही नहीं बनता। मैं आपको दिखाती हूँ, एक जगह मैं कोशिश भी कर रही थी कि शेप ढंग से आ जाए इसका, लेकिन जो डिज़ाइन जो बनाते हैं ना, वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और मैं दिखाऊँगी किसी के घर में, अगर मैं बाई चांस गई, मैं दिखाऊँगी कि वो लोग कितना सुंदर सुंदर बनाते हैं, और मेरे से नहीं बनता यार ये मेरे सिलेबस का है ही नहीं ये बकरू, ना मुझे खाना पसंद है ना मुझे बनाना पसंद है, इसलिए मेरे से बनते नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बन रही है। ये देखिए, पहले मैंने ऐसे बनाए थे, फिर मैंने ऐसे बनाए कि शेप कुछ आ जाए, फिर मैंने ऐसे ट्राई किया था, शेप बन रही थी, लेकिन उसके बाद फिर बिगड़ती बिगड़ती बिगड़ गई। तो छोटा बड़ा बड़ा, अब जो बनेगा वो पता नहीं कौन से साइज़ का होगा, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान को ही तो चढ़ाना है ना, तो चल पड़ता है, श्रद्धा होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। तो ये देखिए, इतनी मुश्किलों के बाद आखिर मैंने इसे शेप दे ही दिया। बाकी के मुकाबले ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, और आप बताइएगा कि मैं पास हो गई ना इस चीज़ में, क्योंकि मैंने इसको ना इसके ऊपर रख कर फिर शेप दिया, बाकी तो शेप बन ही रहे थे। तो आई होप कि ये तीनों में से सबसे अच्छा यही लग रहा है। और अभी मेरे पास आटा और है, तो मैं और कोशिश करती हूँ, इसको रख देती हूँ यहाँ पे, और फिर बाद में इसको सबको साथ में फ्राई करूँगी।
तो मैं हो गई हूँ यहाँ पे नहा धोकर तैयार पादरी डालने के लिए। और मैंने पहना है ये स्कर्ट, क्योंकि जब पादरी डालते हैं तो ये स्कर्ट पहनना पड़ता है। पूजा पाठ करूँ चाहे पादरी डाल, तो स्कर्ट पहनना पड़ता है। और अभी मैं जो है सब कुछ सामान इकट्ठा कर दूँगी, जैसे ध्रुव, फूल, चावल, रोली, और जो जिससे निशान लगाते हैं लोस्टी कहते हैं उसको, वो सब कुछ मैं रख दूँगी इकट्ठा करके। और उससे पहले करूँगी मैं कुणाल के पापा को फ़ोन, क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह कॉल की थी 6:45 के अराउंड, और उस समय मैं सोई हुई थी और मैंने उनको विश नहीं किया। तो अभी मैं उनको जो है साझा विश करूँगी। और आप सबको भी हैप्पी साझा हैप्पी बकराल। और अभी ना मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्योंकि ऐसे तो मैं खाना जो है 8:45 या 9 बजे के आसपास मैं खा लेती थी, लेकिन आज बहुत लेट हो गया खाना खाने में और इतनी भूख लगी ना कि चक्कर आ रहे हैं। आजकल पता नहीं क्या हो गया, मुझे थकान बहुत ज़्यादा है और दूसरा भूख बहुत ज़्यादा है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा भी नहीं कि मैं ज़्यादा खाती हूँ, बस वही 1.5 रोटी खाती हूँ, उसके बाद फिर दिन को फिर शाम को खाती हूँ। लेकिन अभी चलते हैं, पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद खाना उसके बाद खाएंगे, क्योंकि पात्री डालने से पहले हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो पहले पात्री डालते हैं फिर खाना खाते हैं। और घर की सफाई मैंने कर दी है सारी, झाड़ू पोछा, पोछा तो मतलब किचन में दिया है, बाकी जगह नहीं दिया है, तो पोछा हो चुका है। कपड़े नहीं धोए हैं मैंने आज, क्योंकि पात्री डालने के बाद कपड़े नहीं धोते हैं, ना ही झाड़ू पोछा करते हैं, इसलिए मैंने सारे काम उससे पहले कर दिए हैं। कपड़े बस रह गए, कपड़े मैं कल धोऊंगी। और क्या कहती मैं, हाँ, और जो मेरी जो बकरू है ना, जो मैंने बनाए हैं, तो उसका शेप थोड़ा सा ख़राब है। और काफ़ी सारे लोग ना खांचे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोमो के लिए होते हैं ना डिज़ाइन के लिए, तो वैसे उसका यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल हाथों से बनाया है। और मैं ना बहुत कम बनाती हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि मेरे से ना सिड्डू भी ढंग से नहीं बनता, मतलब सिड्डू के शेप होता है ना, मेरे से ढंग से नहीं बनते हैं, फिर भी मैं जैसे तैसे करके बना देती हूँ। बस खाना खाने में अच्छा होना चाहिए। और वैसे भी ना मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है बकरों, सिर्फ कुणाल के पापा को पसंद है, वो भी ऐसे 1-2 पीस खा लेते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं, मतलब छोटे छोटे पीस। जो मैंने इतने बड़े बड़े बनाए ना सिड्डू के शेप के, वो तो शायद एक ही खाएंगे। और कुणाल को मैंने सुबह कहा कि कुणाल मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ और मैं जो है बकरू किसी के हाथ में भेज दूँगी यहाँ से, क्योंकि जो उनके जो सर है ना टीचर वगैरह, तो वो यहाँ से जाते रहते, तो मैं उनके साथ भेज दूँगी। तो कहने लगा कि मम्मा नहीं, मुझे नहीं पसंद है। तो सच बात है, बिल्कुल पसंद नहीं है उसको और मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन हर जो रिचुअल्स होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हमारे जो पूर्वज थे वो बनाते हैं आज के दिन बकरों, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो शायद कुछ ना कुछ तो महत्व होगा इस चीज़ का जो वो बनाते थे और इतनी गर्मी में वो चीज़ खाते थे। तो हम भी खाएंगे, क्योंकि कई गुण होते हैं इसमें, तो हम भी खाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे। और अभी देर नहीं करते हैं, सबसे पहले कुणाल के पापा को फ़ोन करते हैं, उसके बाद करते हैं पूजा पाठ। और हाँ, आज मैंने ना मंगलसूत्र पहना अपना, क्योंकि चेन मैंने उतार दी है। चेन ना रात को सोते समय बहुत टाइट होता है, तो फिर यहाँ जो दाने निकले ना मेरे गले के पास में, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो इसमें बहुत मिर्ची होती है इस साइड और इस साइड, तो मैंने वो निकाल दिया है। तो अभी पूजा के लिए मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है, क्योंकि इस पूजा में जो है पूरा श्रृंगार करना पड़ता है, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल मैंने हल्को हल्का हल्का सा लगाया है, और मंगलसूत्र, अंगूठी, चूड़ियाँ, पायले भी पहनते हैं, लेकिन मैंने पायले नहीं डाल लिया है। और अभी चलते हैं, काम करते हैं। तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, अब थोड़ी पेट पूजा करते हैं, और मैं खाना यहाँ पर ले आई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है आज का नाश्ता, आलू की सब्ज़ी, रोटी, आज मैं 2 रोटी लेकर आई हूँ, और ये है बकरू जो कि मैंने खा लिए हैं, और इसके सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं बाहर निकल गए हैं। और साथ में आज मैं पीऊँगी चाय, ऐसे मन करता चाय पीने का। मैंने बकरू टेस्ट किए ना, सच बताऊँ बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, क्योंकि इस बार ना ये बहुत सूखा सूखा सा हो गया है। पिछले बार मैंने इसको घी बोल रही हूँ, पिछले बार इसको मैंने घी में फ्राई करके फिर डाला था, तो ये बहुत चिपके चिपके से बने थे, और साथ में मैंने वो ब्राउन शुगर भी डाला था, तो जिसकी वजह से ये जो है ज़्यादा ऐसे मतलब ब्राउन शुगर इसके अंदर मेल्ट हो गया था, तो थोड़े चिपके चिपके से अच्छे से बने थे, ऐसे जूसी टाइप में। लेकिन इस बार ये बहुत सूखे हैं, सच में बेकार बने हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना है खाना पड़ेगा, वेस्ट नहीं कर सकते। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने कम बनाए थे, 3-4 ही पीस बने थे, ये एक भगवान जी को दिया और 4 पीस ये बने थे, तो ये ख़त्म, नॉर्मल ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत फीके हैं, ज़्यादा मीठा नहीं है, तो ये खाने में आसानी होगी इनको खाने में, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि फिर मुझे गर्मी हो जाएगी। और इस फ़ोन में ना दिखते ही नहीं रैशेस,
बहुत रैशेज है गले में, हाथ लगाने को भी नहीं, हाथ लगाओ तो बहुत जलन हो रही है। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ। और ये था पिछले 2 दिनों का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।